फ्रेंड्स वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो सो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टेप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फेस स्मूथ एंड फेस को वाइट कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और बैकग्राउंड पर हरियाली कैसे, बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कैसे फोटो एडिटिंग किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी करना है तो भाई साहब आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड आपको फुल स्क्रीन में वीडियो को देखना है, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगी। तो हम लोग सीधे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, लेट्स गो। दोस्तों फ्रेंड्स हम लोग इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइटरूम प्रीसेट दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग कर लेना सिंपली, ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी सेटिंग करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी वाली फ़ोटो पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वन क्लिक में हमारा फ़ोटो कैसा रेडी बन के हो गया, ठीक है। तो आपका भी फ़ोटो ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगा, तो बस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोटो को अब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर्स पे जाना, ठीक है, और इस पे टैप करना और आपको बैकग्राउंड पे जाके इसे छोड़ देना, ठीक है। तो आपको जो भी कलर रखना है भाई साहब अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा कि मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इरेजर पे गया था और उसको मिटा दिया था, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छा से देखिएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से अगेन इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। ओ भाई इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको आर्टिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको फैटल वन पे जाना है, ठीक है। तो आपको इस पे करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में जाना है, उस पर क्लिक कर देना और अपने फेस पे से एंड कपड़ा और जितना भी स्किन है ना भाई, हाथ पैर कपड़ा मुँह चेहरा सब में से हटा देना, ओनली बैकग्राउंड पर रहेगा, ठीक है। तो आप सबको बारीकी से हटाना जैसे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही हटा लेना जैसे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ एकदम बारीकी से, ठीक है। आप लोग शर्ट पे से भी हटा लीजिएगा। तो बस आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग इस फोटो को डन करते हैं। डन करने के बाद इस फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कर देंगे और वहाँ पे हम लोग वही फ़ोटो ले लेंगे जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हम लोग इंपोर्ट किए थे, सेव किए थे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्कैनिंग लेगा, वेट करना है आप सभी को, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है तो आपको एक ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग बस इस पर टैप करिएगा, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर अप्लाई करना और ब्लर पर अप्लाई करना और सेकंड वाला लेना और आपको जितना भी ब्लर रखना है भाई साहब अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इस फोटो को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे फोटो रूम लोगों का हम मिटा देंगे, ठीक है। हीलिंग पर जाएंगे और हीलिंग पर जाने के बाद हम लोग कुछ स्टेप से इसको अच्छा से मिटाना, ठीक है। अच्छा से नहीं हुआ, इसको हम लोग अच्छा से मिटाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बारीकी से इसको मिटा लीजिएगा, नहीं तो यार अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मिट गया, इसको डन करते हैं। टूल्स पे जाना है, फिर सेलेक्टिव पे जाना है और भाई साहब आपको जहाँ भी काला लगे ना और रेड लगे ना, रेड लगे तो आपको सेचुरेशन माइनस करना और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना, और जहाँ भी आपको काला लगे आप बस हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सभी जगह ऐसे ही करना, आपको जहाँ भी काला लगे भाई साहब आपको सिलेक्ट करना और हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना, इससे हमारा फेस थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग फिर से इसको हम काला कर देते हैं, हल्का सा काला कर देते हैं, सेचुरेशन माइनस, ब्राइटनेस हल्का माइनस, ठीक है। और इतना करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे और इसको भी यहाँ पे रेड ज़्यादा है तो इसको सेचुरेशन माइनस करेंगे और ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी हल्का सा चला देंगे, माने कि ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इस फोटो को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है। तो आपको भी सेव कर लेनी है, ठीक है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से अगेन इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ऐसे ही भाई ये ऐप में जाता है तो ये ऐप में जाता है, ऐसे ही इस सब ऐप में जाकर एकदम अच्छा HD बनता है फोटो। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि भाई कितना बार ले जाता है लाइटरूम में। ठीक है, ले जाना पड़ता है भाई। ठीक है, ऑटो पे मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फोटो अच्छा बनाने के लिए ले जाना पड़ता है। यहाँ पे मिक्स पे जाना और यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा और एक बार सीख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको इसको इतना करेंगे और इसको हल्का सा एम्बुलेंस को बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको भाई अच्छा से देखना, नहीं समझ में आना तो भाई हल्का सा पीछे करने में क्या जाता है, पीछे करके फिर से दोबारा देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर से पीछे करो फिर दोबारा देखो। ठीक है, तो बस आपको हल्का सा ऐसे मैनेज कर लेनी है। ठीक है, हल्का सा डिस्टेंस को बिगनेट को भी हल्का सा हम कम कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को अब सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद स्केचबुक एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करेंगे और फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई साहब मैं बताऊँगा फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। तो आपको यही वाला ब्रश लेना है। ठीक है, और इसका सेटिंग इसको 2 रखना है और इसको 1-1 रखना है। ठीक है, ब्रश नहीं दिखा दिया ना तो भाई इसको पीछे करके एक बार देख लीजिए मैं कौन सा ब्रश लिया हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना भाई, काला धब्बा आता है ना यहाँ पे, देखो काला धब्बा कुछ नहीं आएगा भाई साहब। यहाँ पे देख सकते हो कितने HD में हमारा फोटो एडिटिंग हो रहा है। ठीक है, कहीं पे भी काला धब्बा नहीं आ सकता कोई भी। अगर भाई साहब इसमें काला धब्बा आ जाएगा ना तो भाई नहीं आएगा काला धब्बा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, आप सबके सामने में मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से कहाँ आता है काला धब्बा यार। ये ब्रश का आप लोग यूज करिएगा। ठीक है, जो ब्रश मैं यूज करता हूँ, और आपको फॉलो को मैं 2 फॉलो आप 1 भी रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा फेस स्मूथ। ठीक है, तो मैं एक लास्ट में आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा फुल HD में फोटो कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप लोग तो अच्छा से फेस स्मूथ कर लीजिएगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पे फेस स्मूथ नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे फेस स्मूथ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं जरिया बता दिया हूँ। ठीक है, चलना तो है आप लोगों को ही। ठीक है, तो बस मेरे को बस एक ट्रिक बताना था। ठीक है, करना तो है आप लोगों को ही। ठीक है, फेस स्मूथ तो आप लोग ही करोगे ना अपना फ़ोटो को, मैं तो नहीं कर दूँगा। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम ऐसी फ़ोटो आपको स्मूथ कर लेना। ठीक है, और लास्ट में मैं एक सेटिंग बताऊँगा। ठीक है, तो सेटिंग ये है कि रिमनी ऐप को आप लोग ओपन कीजिएगा। ठीक है, इतना फुल HD फोटो बना देगा ना फ्रेंड्स, मैं अभी कोई सा भी फोटो ले लेता हूँ अपना और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आएगा। ठीक है, रिमनी ऐप है और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो ये फुल HD में फोटो को कितना भी खराब रहा है ना भाई साहब, ये फुल HD में फोटो को बना देता है। ठीक है, 1 सेकेंड में। और नीचे ऑटो कलर का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो कलर पे आप लोग टैप करके कीजिएगा। ठीक है, इससे पीछे का कलर नहीं जाता है और कलर जैसा रहता है वैसा ही रहता है और हल्का सा साफ हो जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप सबके सामने दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना HD फोटो बना दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।